वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मारी व्लॉग। यहाँ बन रही है मैगी और जाने की तैयारी है पिकनिक पर। पिकनिक पर कहाँ जा रहे हैं ये तो सरप्राइज़ है आपके लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम है कैसा। थोड़ी धूप है, थोड़ा अबर है, लगता है रास्ते में ही बारिश हो जाएगी। और जी यहाँ हो गई है पैकिंग मेरी बच्चों की। और यहाँ कर रहे हैं आयत वेट वेट गाड़ी आने का, और गाड़ी आ नहीं रही है। चलें जी ये भी आ गई है। हम अपना सामान करेंगे यहाँ से लोड। मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से, देखिए ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है। और यहाँ सो गए हैं शोरेम भी। यहाँ हम बैठ गए हैं गाड़ी में और सामान मेरा ये रखा हुआ है। यहाँ से हम निकल रहे हैं, सोसाइटी से बाहर का नज़ारा है। और यहाँ हम पहुँच गए हैं रास्ते में। मौसम बड़ा प्यारा ही है, आप देखिए यहाँ पर बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई, शायद आपको नज़र आ रही हो खिड़की पर, विंडो पर है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ देखिए ग्रीनरी माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, अल्लाह की शान। और ये देखिए बारिश सुबह कितनी तेज़ थी। और यहाँ देखिए बारिश बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, ये ग्रीनरी थी दूरी दूर रास्ते में, तो बड़ा ही कोई हसीन मंज़र लग रहा था। और बस ये हम आगे थोड़ा सा जाकर पहुँचने ही वाले हैं फार्म हाउस पर। और ये यहाँ हम पहुँच गए हैं फार्म हाउस। और ये आयत आते ही झूले में बैठ गई है। आयत का बहुत ही है मूड ख़राब, क्योंकि सुबह उठा दिया था नींद से हमने इसको। और यहाँ है कुछ अंदर का नज़ारा ऐसा, सब बच्चे ट्यूब वगैरह रेडी हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, बैग्स रखे हुए हैं। और शोरेम सो गए हैं यहाँ पर अपना। और यहाँ है अब नाश्ते की तैयारी, क्योंकि मॉर्निंग में हम आ गए थे, नाश्ता हमने किया नहीं था, अब हम यहाँ करेंगे नाश्ता। और नाश्ते के बाद ये आयत अपने बाबा के साथ गई हैं स्विमिंग पूल में, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर। और फर्स्ट टाइम है इनका ये स्विमिंग पूल में, कि ये एंजॉय कर रही हैं अपने बाबा के साथ, पानी में जाने की कर रही हैं। ये कह रही थी मुझे पानी में छोड़ दो, आप देखें इसके पैर, देखें किस तरीके से ज़िद कर रही है कि नहीं मुझे छोड़ दो और मैं खुद से जाऊँगी पानी के अंदर। और इस तरह है पूरे स्विमिंग पूल का नज़ारा, मैं दिखा देती हूँ। ये इस तरह से स्लाइड्स हैं, ये ऊपर वाला स्विमिंग पूल है, ये ऊपर का स्विमिंग पूल है और नीचे का स्विमिंग पूल अलग था, नीचे अलग दिया हुआ था पोर्शन में। और ये सीढ़ियाँ हम स्टेयर्स चढ़ के आएंगे, यहाँ था झूलों की साइड और यहाँ ऊपर एक अलग सा स्विमिंग पूल दिया हुआ था। तो हमने स्विमिंग पूल के दो पोर्शन कर दिए थे, एक बॉयज़ के लिए कर लिया और एक गर्ल्स के लिए कर लिया। और यहाँ है आयत अपने बाबा के साथ इंजॉय कर रही हैं पानी में। और ये देखिए पानी ही पानी नज़र आ रहा है, और नज़र आ रहे हैं सिर्फ आयत के बाबा और आयत, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, इन लोगों को मज़ा आ रहा है। और मैं देखें हम इंजॉय छोड़ के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अभी करो चैलेंज ही। और ये देखिए आयत ने यहाँ बैठ गई हैं डक में, हमने इसके लिए डक ली थी ताकि ये बैठ के इंजॉय कर सके। और ये बैठ गई हैं डक में और ये अपने बाबा के साथ कर रही हैं इंजॉय। और ये देखिए इनके बाबा जो हैं हाथ में लेके घूम रहे हैं इसको कश्ती बनाकर। अब चलें, थोड़ी देर में होने वाली है यहाँ शाम। दूसरी तरफ का है नज़ारा कुछ ऐसा, मैंने कहा था एक स्विमिंग पूल नीचे है और एक ऊपर है, तो नीचे वाले स्विमिंग पूल का कुछ नज़ारा ऐसा है। बॉयज़ का स्विमिंग पूल हमने इसे दे दिया था, भाई ये गर्ल्स को नहाने नहीं देते, तो हमने कहा आप लोग यहीं इंजॉय करें। और ये यहाँ हो रही थी, और ये मेरे हस्बैंड का पैर फिसल गया था यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से, बस अल्लाह ने बचाया है, देखिए आप। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चले
हैं जी। और यहाँ फिर से एक बार फिसलने के बाद भी समझ नहीं आया, चलें फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है लड़कों की रेस पानी में कूदने की। और ये देखिए होशियार को देखिए, अदील को ये कूदा नहीं है और बाकी सारे कूद गए हैं। और यहाँ मेरे शौहर है विनर, ये वेरी गुड, चलें जी। बहुत तेज हो रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको बाकी चीजें भी नजर आएंगी। ये देखिए लड़कों की हरकतें देखिए यार, क्या एंजॉय करते हैं ये लोग पिकनिक पर आके। हम तो कुछ नहीं कर सकते, मैंने तो पूरी पिकनिक अपने बच्चे संभाले और बच्चों को तैयार किया है, बच्चों को नहलाया है, कभी कोई नहा के आ रहा है, कभी कॉस्ट्यूम है। ये देखिए इनके लैंड हो गई, ये गाड़ी बना रखी है इन लोगों ने स्विमिंग पूल साफ करने का है। अब ये दूसरी हरकतें देखिए इन लोगों की, ये एक एक करके स्विमिंग पूल के मतलब ऊपर चढ़ गए यार, और ऊपर से चढ़ के लोग कूद मार रहे हैं और इसका कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज़्यादा देर स्टे करेगा। मुझे तो लग रहा है थोड़ी देर बाद आगे स्विमिंग पूल में से हमें लोग निकालेंगे इन लोगों को और बोलेंगे भाई आप लोग कहाँ से आए, घर जाएँ अपने वापस। ये फार्म हाउस वाले आके मुझे लग रहा है ये करने वाले। और ये देखिए हरकतें, ये दूसरे भी गिर गए और एक इनमें से विनर है और वो है मेरे कज़न हमज़ा। ये देखिए ये वापस आ रहे हैं, इस तरह लटक रहे हैं लंगूरों की तरह यार। वाह भाई वाह, क्या बात है आप लोगों की। दूसरी तरफ यहाँ देखिए अभी दूसरा खेल कोई शुरू कर दिया है इन लोगों ने, ये एक एक करके यहाँ झूला झुलाते हैं और पानी में डालते हैं, फिर एक एक करके यहाँ झूला झुलाते हैं और सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए लाइन लगी हुई है कि मेरी बारी आएगी, इसके बाद मेरी बारी आएगी। और ये कौन से गेम है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा खेल है, लेकिन चलें जी इंजॉय कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। आदमी वैसे लड़के मेरे ख्याल से इंजॉय कर ही लेते हैं यार, लड़कियों की पिकनिक मेरे ख्याल से लगता है मुझे थोड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन चलें उसका भी एक अपना अलग ही मज़ा है बच्चों के साथ इंजॉय करने का। इनके बाबा ने देखिए यहाँ पर भी इंजॉय कर लिया, बच्ची के साथ भी इंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ बैठ के कुर्सी पर वीडियो बना रहे हैं और बच्चे संभाल रहे हैं और व्लॉगिंग कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक एक लम्हा मैं पिकनिक का दिखा सकूं। तो यार सब्सक्राइब करना मैं फिर बोलूँगी, नहीं भूलिएगा, मैंने अपना इंजॉय ख़राब करके आप लोगों को पूरा ये व्लॉग बनाकर दिखाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए प्लीज़। और ये कर रहे हैं आई इंजॉय, चलें करने दीजिए। खेल देखकर तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा है भाई। वैसे ये बात है लड़कियों से ज्यादा लड़कों ने एंजॉय किया है ये। चलें यहाँ है जी, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिएगा यार, लाइटिंग थी यहाँ, नाइट हो गई थी, वो तो अच्छे से अच्छे मोबाइल यहाँ काम नहीं कर रहा था। ये बड़ा प्यारा ही कोई व्यू था, कोई प्यारा फार्म हाउस है, ये देखिए आप सब अपने मोबाइल लेकर वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। ये एंट्रेंस थी इसकी जो आप अंदर जाते हैं, जहाँ से फार्म हाउस में आप इन लोगों ने दिया हुआ था ये झूले। ये माशाल्लाह बहुत ही कोई खूबसूरत फार्म हाउस था, अंदर से ग्राउंड इतना बड़ा दिया हुआ था फार्म हाउस का। और ये देखिए यार, ये थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा क्योंकि रात हो रही है और मोबाइल लाइटें जो है बहुत डिम थी रात में ना, तो इस तरह से कुछ है। और यहाँ है खाने का पोर्शन, यहाँ बन रहा है खाना मज़े के, यहाँ तैयार होंगे बारबेक्यू और यहाँ अंकल बनाने वाले हैं बारबेक्यू और लगने वाले हैं साथ में पराठे। और ये है बैठने का एरिया जहाँ पर तख्त वक्त लगाए हुए थे भाई, फुल ठाट से बैठ के आपने यहाँ खाना खाना है। और ये बावर्ची इनके नहीं थे, ये हम लेकर गए थे अपने साथ, ज़रा क्योंकि औरतें यार घर पर वैसे ही काम करके फेड अप होकर आती हैं, अगर पिकनिक पर भी जाकर काम करना है तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसी पिकनिक का। तो ये बनाएंगे खाना और हम मज़े से खाएंगे यहाँ पर खाना। और ये डालना शुरू हुई हैं पराठे की पूरियाँ, अंकल बनाते जाएंगे, हम खाते जाएंगे और करेंगे मज़े। चलिए जी यहाँ देखिए इस तरह से ये चूल्हा जल रहा था और ये पकाने की तैयारियाँ हो रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर तख्त पर सब बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। और मैं आपने सोचा मैं आपको बाकी का दिखा दूँ, ये नीचे वाले पूल्स हैं और बच्चों के भी इन्होंने अलग दिए हुए थे। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। यहाँ एंजॉय कर रहे हैं लड़के, यहाँ हो रहा है क्रिकेट मैच, मैं तो खैर दूर से ही देख रही हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें।
यहाँ हमने शुरू कर दिया है स्टार्ट खेलना यार, क्या हम नहीं खेलेंगे? हम भी तो पिकनिक पे आए हैं। बड़ी मामी आपने चाय बनाई थी, अगली बार मैं बना के दिखाऊंगी कैसे बनती है। यहाँ हो गया है खेल शुरू और ये मोस्ट ट्रेडिशनल गेम खो खो। कज़न के साथ इसका अलग ही मज़ा है, कोई खेलने का बचपन की यादें वापस आ गई यार। मैंने तो पकड़ाया बच्चों को, हस्बैंड को, मैंने कहा पकड़े हस्बैंड और अब हम खेलेंगे और अब हमारी बारी। आपने खूब इंजॉय कर लिया स्विमिंग पूल में बच्चों के साथ, लड़कों के साथ, और ये देखिए खेलते खेलते हो गई है यहाँ पर सुबह और बड़ा ही कोई मज़ा आ रहा था। खूब हमने इंजॉय किया, यहाँ लड़के भी आ गए साथ में, देखें हर तरह से इंजॉय करना है इन्होंने। और ये है कोई सुबह का नज़ारा, बड़ा ही कोई खूबसूरत लग रहा था सुबह तो, ग्रीनरी और ये सब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। हम यहाँ से अपने घर से निकले थे सुबह मॉर्निंग में और हम यहाँ मॉर्निंग में ही वापस चला जाएंगे घर को, क्योंकि नाइट स्टे हमने यहाँ किया था, बारबेक्यू करना था। अब यहाँ से यहाँ देखिए स्विमिंग पूल यहाँ पर भी एक अलग सा बना हुआ है और पार्क देखिए इन लोगों का, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा पार्क था। अलग अलग जगह जगह पोर्शन में इन लोगों ने स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं। नाम मैं नहीं लूँगी, अगर मैं नाम लूँगी फार्म हाउस का, नाम आपने ख़ुद पहचानना है, यही तो सस्पेंस है। कराची में रहते हैं तो नाम तो ज़रूरी पता होगा। यहाँ इनके अब्बा शुरू हो गए हैं दोबारा से नहाना और कहा है वीडियो पकड़ो, वीडियो बनाना मेरी, मैं एक जंप लगाऊंगा। और वाह भाई क्या जंप लगाई है, स्लो मोशन तो बनता है यहाँ पर, ये देखिए ज़बरदस्त। और ये पानी क्या उछला है भाई। चलिए जी अब चलते हैं अपने दूसरी तरफ। कहाँ गए, निकल ही नहीं रहे, पानी में ही रह गए क्या, कहाँ गए? वो रहे भाई, नज़र आ रहे हैं, ये रहे ये। चलें जी अब चलते हैं दूसरी तरफ, अब देखते हैं अब क्या होना है आगे। और यहाँ पर हो गई है बारिश, ये देखिए इसका एंट्रेंस था और गेट था निकलने का बाहर का, और यहाँ बैठे हुए हैं हम सब सुबह मॉर्निंग में और ये खड़ी हैं यहाँ गाड़ियाँ और यहाँ से निकलेंगे हम बाहर। और यहाँ मौसम हो गया था बहुत ही ज़्यादा हसीन दोबारा से और यहाँ बनना शुरू हो गया था रेनबो, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, शायद नज़र आया या नहीं आया नज़र। ये देखें ऊपर देख रहे हैं सब, यहाँ रेनबो बनना शुरू हो गया था, हल्का सा नज़र आ रहा है, बहुत रेनबो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ से हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है घर वापस। व्लॉग अच्छा लगे, मज़ा आया तो मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ये मैं थर्ड टाइम कह रही हूँ कि यार सब्सक्राइब करो, फौरन सब्सक्राइब करो। चलें दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़, टाटा, ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।